सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो मैंने भी एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको तो पता है कि फ़ोनपे इज़ ए ऑनलाइन मोबाइल सिक्योर पेमेंट एप्लीकेशन है जिन्हें इस्तेमाल करके आप किसी का भी बैंक अकाउंट में इंस्टेंट मनी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप घर का बिजली का बिल दे सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, किसी का भी मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हैं और इसके अलावा भी उसका बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो फ्रेंड्स, फ़ोनपे के साथ आप जिस बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो इसी बैंक अकाउंट के माध्यम से आप फ़ोनपे इस्तेमाल करके किसी का भी बैंक अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता है और आप ये जानने के लिए भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेबी टेक न्यूज़। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपका एप्लीकेशन पहले से अपडेटेड नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके उससे फास्ट आपको अपडेट करना होगा। और यहाँ पर यह भी आपको ख्याल रखना है कि सबसे पहले इस फ़ोनपे एप्लीकेशन के साथ आपको एक बैंक अकाउंट लिंक करना होगा और जिस बैंक अकाउंट आप लिंक करेंगे तो उसी बैंक अकाउंट में आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड या लिंक करना होगा। तो ये बात आपको ख्याल रखना है। और जैसे इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा, जहाँ पर सबके नीचे आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाएगा और राइट साइड में आप देख सकते हैं माई मनी, तो इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा बैंक अकाउंट। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऑप्शन दिख जाएगा और नीचे आप देख सकते हैं ऐड न्यू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर जैसे आप टच कर देंगे तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह से कुछ बैंक का लिस्ट आपको दिख जाएगा। तो उन सभी बैंक अकाउंट से आप आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर निर्धारित करेंगे। और यहाँ पर और एक बात आपको याद रखना है कि आपका मोबाइल नंबर पे मिनिमम 1 रुपीज़ बैलेंस रहना होगा। और जैसे आप यहाँ पर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे तो कुछ सेकंडों में आपके बैंक अकाउंट इस फ़ोनपे अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। और अभी यहाँ से आपको बैक करना होगा और सबके नीचे ठीक लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा होम आइकन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, सबके ऊपर आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन मनी ट्रांसफ़र और ठीक इसके नीचे आपको दिख जाएगा टू अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। और अभी ये दोनों ऑप्शन आपको दिख जाएगा, बैंक अकाउंट एंड UPI ID, और सबके नीचे आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से ये पेज आपके सामने खुल कर आएगा जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा, जैसे कि जिसका बैंक अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, दोबारा इस अकाउंट नंबर को आप री एंटर करेंगे, उसके बाद इस अकाउंट का IFSC कोड आपको यहाँ पर डालना है, देन अकाउंट होल्डर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद नीचे से आपको उसे कॉन्फर्म कर देना है। और अभी इस बॉक्स में आप आपका अमाउंट डालेंगे, आप जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इतना अमाउंट यहाँ पर आप डालेंगे और नीचे आपको दिख जाएगा इस फ़ोनपे अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी बैंक अकाउंट से अभी मनी ट्रांसफ़र होगा फ़ोनपे के माध्यम से। और फ्रेंड्स, नीचे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप कुछ मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से आप किसी भी मैसेज यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और फाइनली सबके नीचे आपको दिख जाएगा ये सेंड ऑप्शन और इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका UPI पिन डालना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा आपका UPI पिन, तो ये पिन आप यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर कुछ सेकंडों में आपका मनी आपका सिलेक्टेड बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 10 रुपीज़ मेरा पेटीएम अकाउंट में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 10 रुपीज़ मेरा पेटीएम अकाउंट में ऐड हुआ क्या नहीं। और यहाँ पर मेरा पेटीएम अकाउंट ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा सेविंग्स अकाउंट, और इस पर क्लिक करते हुए मेरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पर डिटेल्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री में मेरा 10 रुपीज़ सक्सेसफुली मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना फ़ोनपे इस्तेमाल करके आप किसी के भी बैंक अकाउंट में इंस्टेंट मनी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस छोटा सा वीडियो में इतना ही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर फिर भी इस वीडियो लेके थोड़ा सा भी कॉन्फ्यूजन रहते तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।